अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह ने हमें एक और रमज़ान की बरकतें समेटने का मौका अता फरमा दिया है। अच्छा, इस बाबरकत महीने में जहां अहले ईमान रोज़ा रखते हैं, वहां आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग हर रमज़ान में कोई ना कोई ख़ास दीनी या रूहानी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करना चाहते हैं। मसलन कुछ लोग ये टारगेट बना लेते हैं कि इतनी मरतबा कुरान पाक ख़त्म करेंगे रमज़ान में, या दुरूद पाक के इतने ख़त्म करने हैं, या इतनी नवाफिल अदा करनी है। ये सब बहुत खैर के काम हैं, लेकिन दोस्तों हमारी गुजारिश है कि इस रमज़ान में आप एक ख़ास काम हमारी गुजारिश, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी रिकमेंडेशन पे कर लीजिए, और वो ये है कि नमाज का तर्जमा याद कीजिए। मोहतरम दोस्तों, क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो है वो अरबी नहीं जानते, इसलिए ये बहुत अशद ज़रूरत है कि हमें कम अज़ कम नमाज का तर्जमा आता हो। अच्छा, मैं आपको नमाज के तर्जमे की अहमियत समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे दीन में शराब हराम है, लेकिन इस्लाम में शराब को यकायक हराम करार नहीं दिया गया था, बल्कि शराब की हुरमत का हुक्म तीन मरलों या तीन स्टेजेस में आया था। इस बारे में सबसे पहली हिदायत तो सूरत बकरा की आयत नंबर 219 में नाजिल हुई थी, लेकिन इस आयत मुबारक में बस इतना कहा गया था कि शराब जुए की बुराई उसके नफ़े से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे आगे और कोई मज़ीद बात नहीं की गई। अच्छा, कुछ सहाबा ने तो इस इशारे को ही काफ़ी जाना और शराब छोड़ दी, लेकिन इस आयत के नाजिल होने के बाद एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कुछ सहाबा कराम की अपने घर में खाने की दावत की। खाने के बाद उसमें शराब भी पेश की गई। कुछ सहाबा ने शराब पी, उसकी वजह यह है कि उस वक्त तक शराब की मुतलकन ममानियत नहीं नाजिल हुई थी, लेकिन खाने से फारिग होकर जब नमाज का टाइम आया तो नशे के ज़ेर असर सूरत काफिरून जब तलावत की गई तो उसमें ये आयत के ए काफ्रो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी के तुम इबादत करते हो, को साहबा ने यह पढ़ लिया कि ए काफ्रो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम करते हो, और हम उसकी इबादत करते हैं जिसकी इबादत तुम करते हो। देखें, इस तरीके से ज़ाहिर है आयत का मतलब तो बिल्कुल उलट गया। इस मौके पर शराब से मुतलिक दूसरा हुक्म नाजिल हुआ सूरत निसा की आयत नंबर 43-43 में, जिसमें यह फरमाया गया कि ला तकरबुस सलाता वांतुम सुकारा हत्ता तालमो मा तकूलून, यानी नमाज के करीब मत जाओ जब तुम मदहोशी की हालत में हो, जब तक कि तुम जो बोल रहे हो उसको समझने ना लगो। और इसके बाद शराब की ममानियत का आखिरी और फाइनल हुक्म खैर सूरत मायदा की आयत नंबर 90-91 में नाजिल हो गया, जिसके बाद शराब मुकम्मल तौर पे हराम हो गई। लेकिन दोस्तों, हम आपकी तवज्जो दोबारा सूरत निसा की आयत नंबर 43 यानी 43 की तरफ दोबारा दिलाना चाहते हैं। देखिए, इस आयत मुबारक के अल्फाज ये नहीं है कि तुम नमाज के नज़दीक ना जाओ जब तुमने शराब पी रखी हो, बल्कि अल्फाज ये है कि तुम नमाज के नज़दीक मत जाओ जब तुम हालत सुकारा में हो, यानी एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी मदहोशी में हो कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम अपनी ज़बान से क्या बोल रहे हो, तुम्हारे बोले गए अल्फाज का क्या मतलब है। अच्छा, इसी की वजाहत इसी आयत के अगले हफ्ते में खुद ही हो रही है, जिसमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि हत्ता तालम व मातकुलून, यानी नमाज के करीब ना जाने की पाबंदी उस वक्त तक है जब तक कि तुम ऐसी कैफियत में ना आ जाओ कि तुम्हें इल्म हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो। मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर लोगों को अरबी नहीं आती है, इसलिए हमने नमाज की जो इबारत है, नमाज की जितनी भी तफसील है, उसको बस रटा हुआ है। हम नहीं जानते कि हम असल में बोल क्या रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम तो मुसलसल एक हालत सुकारा के अंदर हैं। आप खुद ही गौर फरमाइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सना, यानी हर नमाज से पहले जो हम सुबहाना कल्लाम व बिहम्दे का पढ़ते हैं, उसका या अत्तायात का या दुरूद पाक का, दुआए कनूत का या दीगर आयात और दुआएं जो नमाज में पढ़ी जाती हैं उनका तर्जमा आता है। बल्कि इसको छोड़िए, कितने लोगों को मालूम है कि जब हम रुकू से खड़े होते हुए समी अल्लाह लिमन हामिदा रब्बना वलक अलहम्द कहते हैं, इसका क्या मतलब है। हम तो सिर्फ जादू की तरह रटे रटाए जुमले बोल रहे होते हैं, जैसे एबरा कडैबरा कुल जा सिम सिम वगैरह वगैरह, और बिल्कुल नहीं समझ रहे होते कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें उसका मतलब ही पता नहीं होता। हालांकि नमाज तो एक इंसान का अपने रब के साथ एक मुकम्मल मुकालमा है,
ایک انسان مناجات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اسے خیر بخشش اور اپنے لیے بھلائیاں مانگ رہا ہے، لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسی نماز ہے؟ دوستو دیکھیے، ہم بے سمجھی میں جو بولتے ہیں انگریزی میں اس کو بیبلنگ کہتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ایک چھوٹا بچہ بے معنی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، بم 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 آم مم مم ما ما آ ما ما، یہ تو اسی قسم کی بیبلنگ ہے۔ کیا بھلا آپ کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے یا اپنے دفتر میں اپنے باس کے سامنے بیبلنگ کریں گے، یا کبھی آپ ان کو بلا سوچے سمجھے بے معنی ان سے کوئی گفتگو کریں گے؟ اگر آپ نے ایسا کیا وہ تو فوراً آپ کو ٹوکیں گے کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہو، لیکن ہماری جسارت دیکھیے کہ ہم رب کائنات کے سامنے یہ مذاق روزانہ 5 مرتبہ دہراتے ہیں، اور بلکہ رمضان میں تو اور خوشی و خضوع کے ساتھ دہراتے ہیں اور اللہ کے حوصلوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنا خاص پروجیکٹ یہ بنائیے کہ انشاءاللہ آپ نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم اللہ کی جناب میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوں گے تو پھر نہ تو حالت سکارا میں ہوں گے اور نہ ہی بے معنی باتیں کریں گے، بلکہ جو کچھ منہ سے ادا کریں گے اسے سمجھ بھی رہے ہوں گے، اس طرح ہماری توجہ بھی نماز کی طرف زیادہ بہتر جمے گی اور دل اللہ کی طرف مائل رہے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام افراد کو برکت، صحت اور خوشیوں سے بھرپور رمضان عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی اگلی ویڈیو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، نماز کا ترجمہ اس دفعہ ضرور یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔